सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। ऐसे में त्योहार के मौके पर फिल्म टाइगर 3 लोगों के लिए मनोरंजन का शानदार विकल्प साबित होने वाली है। इस फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ के साथ साथ इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर जब से आया है तो लोगों में फिल्म को देखने की उत्सुकता बहुत ही ज्यादा हो गई है। ऐसे में हम इस फिल्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। दिवाली एक बड़ा त्योहार है, इस मौके पर फिल्म रिलीज करने को लेकर निर्माताओं ने खास तैयारी की है। आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन में रिलीज हो रही टाइगर 3 को लेकर निर्माता कई ऐसे काम कर रहे हैं जो बॉलीवुड में बहुत ही कम देखने को मिले हैं। वैसे भी YRF अपने स्पाई यूनिवर्स को खूब फैलाना चाहता है और इसके लिए वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि यशराज फिल्म्स इस त्योहारी सीजन में अपनी नई पेशकश YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म टाइगर 3 के साथ कैश काउंटर पर धूम मचाने को तैयार है। सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 दिवाली के दिन रविवार 12 नवंबर को रिलीज होगी। निर्माताओं से जानकारी मिली है कि वे रिलीज की तारीख पर देश भर में सुबह 7 बजे से फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू करने जा रहे हैं। अब जिन लोगों को समय का इश्यू होता है वह सुबह का शो देखकर फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। इससे फिल्म का मजा भी आ जाएगा और लोगों के काम होते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर से भारत में शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर आप फिल्म का प्लान कर रहे हैं तो पहले से पहले इस फिल्म की टिकट बुकिंग्स करा लें। यह फिल्म दिवाली की छुट्टियों के दौरान रिलीज हो रही है, इसलिए सिनेमाघरों ने इसे जल्दी शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स के प्रशंसक स्पॉयलर से बचने के लिए सुबह जल्दी शो आयोजित करने के लिए प्रदर्शकों के पास पहुंच रहे हैं। टाइगर 3 ब्लॉकबस्टर YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जो एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार और पठान की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन YRF के मनीष शर्मा ने किया है। यह हिंदी, तमिल डब और तेलुगु डब वर्जन में प्रदर्शित होगी।